राजेश खन्ना की इस फिल्म को देखने के बाद बुजुर्ग ने बदल ली थी अपनी वसीयत, बच्चों से छीन लिया था मालकिन का हक। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में बनी जिनसे हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। खासकर 80 और 90 के दौर में जो फिल्में बनती थी उसे देखकर लोग बहुत प्रभावित होते थे और उसका गहरा असर लोगों के दिलों में दिमाग पर पड़ता था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में बनी है जिसने हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। खासकर 80 और 90 के दौर में जो फिल्म बनती थी उसे देखकर लोग बहुत प्रभावित होते थे और उसका गहरा असर लोगों के दिलो दिमाग पर पड़ता था। ठीक इसी तरह से 1983 में आई राजेश खन्ना और शबाना आजमी के फिल्म को देखकर बुजुर्ग दंपतियों ने अपनी वसीयत तक बदल दी थी और जो संपत्ति उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर कर दी थी वो भी उनसे वापस ले ली थी। आखिर ऐसा क्यों और वो फिल्म कौन सी थी, आइए हम आपको बताते हैं। साल 1983 में राजेश खन्ना और शबाना आजमी की फिल्म अवतार बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी जिसका डायरेक्शन मोहन कुमार ने किया था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे बूढ़े होने के बाद बच्चे माँ बाप के साथ बर्ताव करते हैं और कैसे वो उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। दरअसल इस फिल्म ने अवतार किशन यानी कि राजेश खन्ना और राधा किशन उर्फ शबाना आजमी को उनके बेटे उनके हाल पर छोड़ देते हैं। इसके बाद अवतार नई सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जिसके बाद बदलते रिश्तों की कहानियों को दिखाया गया है। 1983 में आई फिल्म अवतार का प्रभाव लोगों पर इस कदर हुआ कि इस फिल्म को देखने के बाद भारत में कई बुजुर्ग दंपतियों ने अपने घर के मालिकों हक को वापस ले लिया, जिन्होंने अपने घर का स्वामित्व अपने बच्चों के दे दिया था। उन्हें डर था कि उनके बच्चे उनके साथ भी वही कर सकते हैं जो इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी के बच्चों ने अपने माता पिता के साथ किया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना, शबाना आजमी के अलावा AK हंगल, रशि, सचिन पिलगांवकर, सुजीत कुमार, सजन ग्रेवल, प्रीति सप्पू जैसी कई एक्टर एक्ट्रेस ने बेहतरीन अभियान किया था।